आज मैं आपको बता रहा हूँ सेवन ब्रेन एक्सरसाइजेस और दे रहा हूँ 7 डे चैलेंज, जिसके बाद आपका ब्रेन बेहतर तौर पे काम करने लग जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस रेट बढ़ जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यकीन दिलाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके बाद आप इन एक्सरसाइज को लॉजिकल समझ के और अप्लाई भी करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज कर लें कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा लाडला है और आप उसे हर वक्त गोद में उठा के रखते हैं, आप उसे जमीन पे पांव नहीं रखने देते, उसे चलने फिरने नहीं देते, तो जब उसका चलने का टाइम आएगा तो क्या वो चल पाएगा, या उसके मसल्स स्ट्रांग होंगे, क्या सारी जिंदगी आप उसको उसी तरीके से गोद में उठा सकेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। इसकी वजह ये थी कि हमने जब जो जिस मकसद के लिए उसके मसल्स बने थे हमने उसे वो काम करने नहीं दिया, तो लिहाजा हमने उसको वीक कर दिया, डिपेंडेंट बना दिया। इसी तरीके से जिस्म के हर ऑर्गन का कोई ना कोई काम है, हम अगर उस ऑर्गन से वो काम नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो वीकर होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, उसमें बीमारियां लग जाएंगी और आखिरकार वो नाकारा हो जाएगा। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी जो फिजिकल चीजें हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो हमें इनहेरिट होते हैं, हमारे जीन्स से हमें मिलते हैं, लेकिन हम किस क्या कर सकते हैं कि जिम जाके एक्सरसाइज करके उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम चलने की अगर आदत बनाएं तो फिर क्या होगा, चलने से हम थकेंगे नहीं, वजन उठाने की आदत बनाएं तो हम वजन उठा सकेंगे। जिस चीज की हम हैबिट बना लेंगे, जो काम हम करते होंगे वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो जो ऑर्गन जिस मकसद के लिए बनाया है उस ऑर्गन को वो काम करने दीजिए। अगर वो काम करने नहीं देंगे तो आप नेचर के उलट चलेंगे और अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, फिर आप उस ऑर्गन से काम नहीं ले सकेंगे। तो दिमाग का क्या काम होता है, दिमाग का काम सारे जिस्म को कंट्रोल करना होता है, सोचना होता है, फोकस करना होता है। आप उससे काम ले ही नहीं रहे तो वक्ती तौर पर तो आपको अच्छा लगेगा, आप कंफर्ट जोन में होंगे, लेकिन फिर क्या होगा, लॉन्ग रन में आपके दिमाग को जंग लग जाएगा, फिर जब आप सोचना भी चाहेंगे तो नहीं सोच सकेंगे, कोई क्रिएटिविटी आपके जहन में आएगी नहीं, फोकस कर ही नहीं सकेंगे, कुछ सीख नहीं सकेंगे, जो इरादा करेंगे वो इरादा आपका खत्म हो जाएगा, आपकी विल पावर नहीं होगी। तो इसलिए यही लॉजिक है जिसके ऊपर ये 7 एक्सरसाइजेस बेस करती हैं। आप उन्हें आजमा के देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई आप में इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। तो पहला जो सेगमेंट है, पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है, वो एक्सरसाइज है कलर ट्रिक्स। कलर ट्रिक में क्या चीज हो गई, ये एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट में डिफरेंट टाइप के कलर नेम लिखे हुए हैं, लेकिन जिस कलर से लिखे हैं वो कलर डिफरेंट है। जैसे कि पहले क्या लिखा है, ब्लू, लेकिन किस कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन से। दूसरा में क्या लिखा है, पर्पल, लेकिन किस कलर से लिखा हुआ है, रेड से। तो लिहाजा आप क्या पढ़ेंगे, पहले वाले को पढ़ेंगे ग्रीन, नॉट ब्लू, दूसरे वाले को आप पढ़ेंगे रेड। इस तरीके से जिस कलर से वो लिखा हुआ है उस कलर का नाम आप पुकारेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक कलर आप प्रोनाउंस करेंगे, बुलाएंगे, पुकारेंगे, और इसके बाद जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो फिर आप फर्स्ट तक आएंगे। इस तरीके से आप रिपीट कीजिए। और इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे यह लॉजिक है कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो है वो टेक्स्ट के लिए होता है, टेक्स्ट परसेप्शन के लिए होता है, और एक पार्ट किसके लिए होता है, कलर परसेप्शन के लिए होता है। जब दोनों पार्ट सेम टाइम में वर्क करेंगे तो इससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी। नंबर टू एक्सरसाइज, नंबर टू एक्सरसाइज में एक टेबल है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, काउंटिंग लिखी हुई है, लेकिन वो डिफरेंट अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, जैसे कि बीच में 19 है, आप फोकस रखिए 19 पे, और दूसरे साइड से आप ये तलाश कीजिए कि 1 कहां पे लिखा है, 1 के बाद 2 कहां पे लिखा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप सर्च करते चले जाए और 1 से लेकर 25 तक आप काउंटिंग पढ़ लीजिए, फिर दोबारा यही रिपीट कीजिए 5 मिनट तक, ये डेली एक्सरसाइज करें। इस तरीके से आपका ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा और आपका फोकस रेट बढ़ता चला जाएगा। अपने दिमाग को हार्डर सिचुएशन में डालिए, उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में ना रहने दीजिए, कंफर्ट जोन में नहीं रहने दीजिए। इसका एक आसान तरीका क्या है कि जिस चीज के हम यूज टू हो जाते हैं वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रश करते हैं वो राइट हैंड से करते हैं तो हमें उसमें बहुत आसानी लगती है, हम राइट हैंड से लिखते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, लेफ्ट हैंड से जो है वो आप ब्रश करने लग जाइए। इस तरीके से आपका वॉलेट अगर राइट साइड की पॉकेट में रखते हैं तो उसे लेफ्ट साइड पे रखने लग जाइए। इस तरीके से आपका ब्रेन सोचेगा, जो काम आप बगैर सोचे समझे कर रहे हैं, जो आपके लाशौर में महफूज हो गए हैं, वो क्या होगा, शौरी तौर पे आप करने लग जाएंगे, सोच समझ के करने लग जाएंगे, तो उसके बाद आपके सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। इसी तरीके से ये हो सकता है नेक्स्ट स्टेप इसका, कि
ब्लाइंड फोल्डेड। इसमें क्या होगा कि आप आंख बंद करके कोई भी काम कीजिए। आंख बंद करके क्या काम कर सकते हैं, जैसे जो आप लिख रहे हैं वो रफ पेपर में बगैर देखे लिख लीजिए, आंखें बंद करके लिख लीजिए। और नहीं कर सकते तो इसी वीडियो के में कमेंट सेक्शन में जाके आप आंख बंद करके कोई कमेंट टाइप कर दीजिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी रूटीन वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कीजिए। इस तरीके से भी क्या होगा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइजेस होगी। इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज हो सकती है, पांचवी एक्सरसाइज क्या हो सकती है कि जैसे ये किस चीज का यानी कि साइन है ओके का, इसी तरीके से ये विक्ट्री साइन है। आप ये कर लीजिए कि इस तरीके से हाथ को बनाइए, फिर आप यही एक्सचेंज कर लीजिए कि इसको जो है वो इस तरह से कर लीजिए, जैसे कि मुझे करने में मुश्किल पेश आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इस तरह इनको एक्सचेंज करते रहिए और 10 सेकंड में 5 टाइम्स कीजिए। शुरू में करने में मुश्किल होगी, उसमें मिस्टेक होगी, और फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आसानी से करने लग जाएंगे। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक हाथ से एक फिंगर से ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और दूसरे साइड से आप क्या कीजिए, दूसरे फिंगर से आप ये कीजिए कि सर्किल बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसी को एक्सचेंज कर लीजिए। इस तरीके से भी आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी। तो ये आपने किया। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कभी गौर किया है कि जो कामयाब लोग होंगे, जो अकलमंद लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग, वो अक्सर इस पोस्चर में इस तरीके से बैठे हुए होते हैं कि दोनों फिंगर टिप्स को जो होती है दोनों हाथों के इस तरीके से मिला के, और इस तरह से किसी की बात सुन रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। यह तरीका आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपकी फोकस रेट को बढ़ाएगा। किस तरीके से, यकीन नहीं आता तो आप इस तरह से देख लीजिए कि अगर हथेली पे आप कोई चीज लगाएं तो क्या होता है, ज्यादा ये सेंसरी फीलिंग आती है, ज्यादा सेंस होता है। अगर यहाँ पे आप टिप्स जो है यहाँ पे किसी गर्म चीज को छूते हैं तो फौरी तौर पे पीछे हटा लेते हैं, मकसद इनमें फीलिंग की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, और यही न्यूरॉन्स के जरिए से दिमाग तक सिग्नल लेके जा रहे होते हैं, दिमाग उसके मुताबिक हिदायत देता है और हम उसके मुताबिक रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से मिलाने से भी आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी। तो ये 7 एक्सरसाइजेस थी जिनको आप अप्लाई करके देखिएगा, और उसके बाद आप लाजमी तौर पे अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।